जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं पीके सिंह आप सभी का सक्सेस मंत्रा के थर्ड एपिसोड में स्वागत करता हूं। मैं जीएसटी ऑथर एंड फिक्शन बुक्स ऑथर। आज का जो टॉपिक है वो है सुसाइड, आत्महत्या। रिसेंटली मैं टूर पे था और एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, जहां पे मुझे दुख भी हुआ ये जानकर कि लगभग 1,60,000 ऑफिशियल फिगर पिछले साल लोगों ने सुसाइड किया, और उसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो यंग जनरेशन का है, यूथ का है। तो इसलिए इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। और ऑफिशियल फिगर अगर 1,60,000 है तो आप समझ सकते हैं कि अनऑफिशियली कितने लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और इसके रीजन्स क्या है। आज जो मैं इस एपिसोड में पहले तो ये बात करूंगा कि इसके रीजन्स क्या हो रहे हैं, जो मेरे हिसाब से, मेरे थिंकिंग थॉट प्रोसेस से, और दूसरा इसका प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए। अब मैं यूट्यूबर नहीं हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप वीडियो इसको मत करो और आप ये मत करो, आपको अच्छा लगे तो देखिए, अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कीजिए। बट ये जो बर्निंग इश्यूज है, जहां पे अगर हम यूथ को इस मैटर पे नहीं समझा रहे हैं, लोगों को इस समझ में नहीं आ रहा है, जब तक नहीं आएगा देन दिस विल बी द मेजर इशू। एंड आई विल स्टार्ट माई दिस यू नो प्रोसेस विद ओनली वन कल्प्रिट इज देयर, वेयर द पीपल दे आर कमिटिंग सुसाइड, व्हाट आई बिलीव दैट, एंड वो है निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग से आपको क्या हो रहा है कि अगर आप कोई भी पर्सन, देखिए दुनिया में जितने लोग हैं सबको कुछ ना कुछ परेशानी है, ओके बट उसमें आपको उस सारे परेशानियों को, सारे आपके जो लाइफ के हर्डल्स है उसको क्रॉस करने के बाद ही सक्सेस मिलता है। तो सक्सेस मंत्रा में हम यही बात करते हैं, मैं यही बात करता हूँ कि भाई आपको सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे ये इस वीडियो बनाने का जो पर्पस है यहाँ पे ये है कि रिसेंटली आपने पढ़ा होगा चाहे सुना होगा कि IIT हैदराबाद के 23 ईयर्स के स्टूडेंट ने जो है लॉज से जंप लगा के उसके टॉप फ्लोर पे जाके सुसाइड कर लिया। उससे 2-3 महीने पहले भी एक ने सुसाइड किया था, मतलब, और ये क्वालिफाइड था, मतलब हाईली क्वालिफाइड पीपल दे आर कमिटिंग सुसाइड, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट। और आपने यंग स्टूडेंट्स को देखा ही होगा जहां पे वो हाई स्कूल के एग्जाम्स में और मार्क्स कम आ गए, चीजें ये एज यूजुअल है, उसमें पेरेंट्स भी कई जगह जिम्मेदार है। विल टॉक ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो दैट। तो यहां पे द फर्स्ट पॉइंट मैं जो रियलाइज किया वो है निगेटिव थिंकिंग। अब निगेटिव थिंकिंग जो होता है आपको फियर की तरफ ले जाता है। निगेटिव थिंकिंग आप किसी भी टॉपिक पे सोच सकते हैं, अपने कैरियर रिलेटेड आप निगेटिव हो सकते हैं, अपने लाइफ रिलेटेड थिंग्स पे आप निगेटिव हो सकते हैं, अपने हेल्थ रिलेटेड थिंग्स पे आप निगेटिव हो सकते हैं। तो जब इफ यू आर थिंकिंग निगेटिवली देन वो आपको इट ड्रैग टू फियर, और जब आपको लाइफ में फियर्स आ जाते हैं चाहे किसी चीज के लिए है, वो फियर्स जो है आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। डिप्रेशन, और आई कैन से निगेटिव थिंकिंग डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, डिप्रेशन आपको फियर क्रिएट करता है, एंड देन वहां से जो ये एक्सट्रीम स्टेप आते हैं सुसाइड के। सो सुसाइड इज बेसिकली ए क्राइम एज पर सनातन धर्म। अगर आप सुसाइड कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जन्म से तो आप अपने बॉडी को छोड़ रहे हैं, बट अगले जन्म आपको वो चीजें भुगतनी पड़ेगी। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है, सनातन धर्म का भी नॉलेज नहीं है अगर जो लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो यहां पे अब निगेटिव थिंकिंग्स कैसे आती है, रीजंस क्या है निगेटिव थिंकिंग के। तो आप जब इस चीज को ध्यान देंगे तो विवेकानंद जी ने एक सेंटेंस कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ओके, अब आप अपने आप जो है ना अपने डेस्टिनी के क्रिएटर हैं। और क्रिएशन कहां से होता है, अपने डेस्टिनी को आप बेस्ट कैसे बनाते हैं, माइंड से। ये सारे जो थिंग्स प्रोसेस होते हैं, देयर इज अ टू थिंग्स इज देयर, पॉजिटिव थिंकिंग एंड निगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग इज ए आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ, जहां पे आपको सक्सेस आता है। निगेटिव थिंकिंग्स आपको डैमेज करता है, आपको डैमेज करता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने ट्विटर और फेसबुक को सब, आप अगर उस पे हैं वहां पे सोशल मीडिया पे टू मच आप इन्वॉल्व हैं तो आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग्स ऑटोमेटिकली आएगी। सो ये निगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग, एंड सेम टाइम्स एक और याद आ रहा है पॉइंट मुझे, जब लॉर्ड कृष्ण ने कहा था, यू आर योर ओन फ्रेंड एंड यू आर योर ओन एनिमी।
तो फ्रेंड्स कब हैं आप? जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आप अपने फ्रेंड हैं, क्योंकि आपका ग्रोथ होगा, आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, आप एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। दूसरा होता है कि जब आप अपनी एनिमी कब है, जब आप निगेटिव थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं। तो जब निगेटिव थिंकिंग आपको सुसाइडल की तरफ ले जाता है तो इसको स्टॉप करना। अब जैसे मैंने कहा कि सबके जीवन में अपनी अपनी समस्याएं हैं और वो होगी भी, वो खत्म नहीं होगी कभी, उसको आपको क्रॉस करना है, सबके अपने प्रॉब्लम्स है। तो पॉजिटिव थिंकिंग्स में क्या करें आप? पॉजिटिव थिंकिंग्स में आपको जितने प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रहे हैं, आपको पता है कि उसको मैं क्रॉस कर सकता हूं, तो आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने हैं, तरह तरह के बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, जहां पे हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उन्होंने बुक्स लिखे हुए हैं, हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, हमारे बहुत एक्सपीरियंस ऑथर्स हैं जिन्होंने लिखा है। तो आप इस चीज़ को पढ़िए। यू कैन टॉक विद योर सम गुरुज, और इफ़ यू आर स्टूडेंट आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, अपने फैकल्टी से बात कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, कोई क्लोज फ्रेंड उससे बात कर सकते हैं। पहले अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए कि कहाँ आ रहा है, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो आप जब मेथोलॉजिकली कई बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि बहुत सारे जो डकैत थे, रॉबर्स थे, वो शेख्स बन गए, महान महान संत बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि वो निगेटिव थिंकिंग से अपने आप को बाहर निकाल के पॉजिटिव थिंकिंग के साइड गए। तो ये जो ब्रेन है आपको सक्सेस और फेल्यूर का टेस्ट कराता है। तो यहां आपको अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ डाइवर्ट करना है। आप कैरियर में फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ठीक है? अब पॉजिटिव साइड सोचिए कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आप उसको कैसे क्रॉस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग के सक्सेस की स्टोरीज पढ़िए कैसे हैं। देन आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल बहुत सारे बुक्स है उसको रीड कर सकते हैं। ये बहुत सारे चीजें जहां पे आपको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाएगी और आपको निगेटिविटी से दूर करेगी। निगेटिविटी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेजर कल्प्रिट है निगेटिव थिंकिंग। और निगेटिव थिंकिंग तो आते हैं, सबको आते हैं। अब आपको वो आर्ट सीखनी पड़ेगी कि मुझे जो है हर सिचुएशंस में अपने ऊपर फेथ करना होगा। आई हैव टू बिलीव ऑन माई सेल्फ दैट आई कैन डू दिस, और वो प्रॉब्लम्स आएंगे। अब हाईली क्वालिफाइड अगर सुसाइड कर रहे हैं, IITians और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स, टॉप लेवल इंजीनियर्स, इज समथिंग, तो कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी क्वालिफाइड, बट दे आर क्वालिफाइड इन देयर प्रोफेशन, नॉट इन एजुकेशनल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनको नहीं मिल रहा है, तभी तो वो सुसाइड कर रहे हैं। दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड। और इस तरह से हमें अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के साइड में ले जाना है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। अगर हम लाइफ में फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, हमारी कहाँ गलतियां हुई है, हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। और दूसरी बात है कि भगवान, आपको बिलीव होना चाहिए कि भगवान ने भी जो है सब इंसान को बनाया, तो उसके लाइफ का कुछ पर्पस दिया है। तो हो सकता है कि भगवान आपका एक रास्ता बंद कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने तो आपके लिए दूसरा रास्ता डिसाइड कर रखा है, तो उसको दूसरे रास्ते पे आपको भेजने के लिए एक रास्ता तो उनको बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप दूसरे पे कैसे डाइवर्ट होगे। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है कि भाई अगर मैं यहाँ इस धरती पे आया हूं तो डेफिनेटली मेरा कोई पर्पस है, और कोई तो कोई क्रिएटर है, जिसको आप जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई ना कोई क्रिएटर है, कोई ना कोई कंट्रोलर है हमारा। तो डेफिनेटली हमारे बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी आएंगे। तो यहां से आप जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि पहली बात की जो है आप पॉजिटिव थिंकिंग के साइड में अपने आप को डाइवर्ट कीजिए। निगेटिव थॉट्स आ रहा है तो आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। और लास्ट पॉइंट ये है कि भाई अगर आपको लगता है कि मुझे सुसाइड करना है तो ऐसे कुत्ते की मौत मरने की क्या जरूरत है। बॉर्डर पे जाओ ना यार, 2-4-10 पाकिस्तानियों को मार के मरो, टेररिस्ट पाकिस्तानियों को, अच्छे पाकिस्तानियों को नहीं। वो आपका नाम भी होगा अननेसेसरी, जो आप कर रहे हो सुसाइड कर रहे हो, आपको रियलाइजेशन है कि आप सुसाइड कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स का क्या होगा, आपका जो क्लोज फ्रेंड्स होगा उसकी क्या हालत होगी, आपके सिबलिंग्स जो है उनकी क्या हालत होगी, उनके जीवन में क्या वो खुश हो पाएंगे। तो आप एक माइनर जो थॉट प्रोसेस आपको जो निगेटिविटी आपके जीवन में ला रही है उसकी वजह से आप सुसाइड कर रहे हो, और जो आपके लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ पॉजिटिव थिंग्स हैं उस पर आप नहीं सोच रहे हो,
नहीं सोच रहे हो, और यही रीजन है कि निगेटिव थिंकिंग आपको टू मच थॉट प्रोसेस मिले जाती है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आपको अननेसेसरी का जो है कचरा इकट्ठा हो जाता है, और वो कचरा जो है आपको एक्सट्रीम स्टेप की तरफ ले जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ डाइवर्ट कीजिए, निगेटिव थिंकिंग से बाहर आइए, और उसके लिए आप जिससे भी मिलना है मिलिए। और सक्सेस फेल्यूर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, वो कभी खत्म नहीं होता। बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे गरीब हैं जो खुश हैं। तो दिस इज द यू नो लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स कि आपको जिंदगी जीना कैसे है। और वहीं पे अगर आप कंफ्यूज हैं देन वहां पे निगेटिव थिंकिंग आती है, और निगेटिव थिंकिंग गलत है। तो आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ मूव कीजिए, और टाइम टू टाइम मैं हर टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा। और पॉजिटिव थिंकिंग्स के लिए बाकी चीजें क्या करनी चाहिए, हमें निगेटिव थिंकिंग इतना ज्यादा क्यों आता है, हम लाइफ को और आगे सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स मैं जो है सक्सेस मंत्रा में कवर करूंगा टाइम टू टाइम। और हम टाइम टू टाइम इस मंत्र को डिस्कस करेंगे कि लाइफ में सक्सेस मंत्रा का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल करियर में कैसे सक्सेस हो जाए, हाउ टू लिव हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, हाउ टू अचीव योर ड्रीम। और ड्रीम्स भी अगर मिसिंग हैं देन आप कुछ सक्सेस नहीं हो सकते, और ड्रीम्स को आप टू मच निगेटिव थॉट्स में ले जाते हैं देन अगेन वो प्रॉब्लम्स है। तो ड्रीम्स को आपको पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू में आगे बढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हर्डल्स आएंगे आपको ड्रीम को अचीव करने के लिए, तो आपको निगेटिव नहीं होना है। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू विल स्टार्ट थिंक पॉजिटिव थिंकिंग, बिकॉज पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग्स विल लीड्स टू यू सक्सेस इन योर लाइफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।